नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वर्जे। आप सभी को एक बार फिर से मस्कान का बहुत बहुत प्यार। आप सभी का फिर से स्वागत है आईटी बल मस्ता कंप्यूटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल में, ये देखिए, मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस, जावा, जो नाम जो आ रहे हैं अपने आप, ये इस प्रकार का बॉक्स कैसे बनाते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स तो बना लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये लिस्ट कैसे आएगी, लिस्ट नहीं बना पाते हैं। लिस्ट बॉक्स तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते। तो ये कैसे बनाते हैं, ऐसे हम आज एस्टीमेट में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ये कोडिंग है, ये कोडिंग। इसलिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो एक नया पेज ले लीजिए नोटपैड में, और आप जैसे फॉर्म बनाते हैं वो फॉर्म बना लीजिए, और इसको फॉर्म बंद किया जाता है, हम जानते हैं। अब हम जरा ये जाना है कि इसमें हम फॉर्म के अंदर, ये जानना है कि फॉर्म के अंदर किस प्रकार से हम वो चीज़ कैसे मंगाते हैं, वन होता क्या, कौन सा टैग यूज किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों डिटेल नाम का एक टैग होता है, वो यूज़ किया जाता है। डिटेल टैग का यूज़ सेम वैसे ही करते हैं जिस प्रकार से हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का जिस प्रकार से मेन्यू बनाते हैं, उसी प्रकार से डिटेल्स का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन डिटेल्स के अंदर हम आईडी दे करके कोई नाम वगैरह, और उसको एक आईडी नंबर भी इसको दे सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, तो ये डिटेल्स, डिटेल्स होता है ये डिटेल। ये एलिमेंट सेलेक्ट एलिमेंट की तरह ही होता है, लेकिन डाटा लिस्ट के आईडी एट्रीब्यूट के साथ इनपुट एलिमेंट के लिस्ट एट्रीब्यूट का संबंध भी इसमें अपन जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते हैं सीखते हैं। यहाँ आपको इनपुट टाइप लिस्ट नाम देना पड़ेगा, जो कि लिस्ट के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ हम इसका नेम, लैंग्वेज वगैरह भी दे सकते हैं। सॉरी, ये इस प्रकार से नहीं, ऐसे यूज नहीं, इनपुट टाइप इनपुट लिस्ट यूज किया जाएगा इस प्रकार से। ऐसे यूज किया जाएगा, मैंने सेव नहीं किया है, मैंने नाम दिया और उसको सेव कर देता हूँ फिलहाल एक नाम से। डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर DETAILS डिटेल्स डॉट HTML के नाम से सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनपुट लिस्ट बराबर लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अब इसमें सेलेक्ट लैंग्वेजेस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर BR लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट लैंग्वेज BR लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डिटेल्स आईडी, जो नेम यहाँ डाला है वो नाम डालना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा, समझा। और ये भी एक टैग होता है, तो इसलिए हम इसे टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे। डिटेल्स आईडी लैंग्वेजेस, यहाँ पे जो नाम लिखा गया है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, याद रहे। अब आप सेलेक्ट की तरह यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू बराबर एमएस ऑफिस ऑप्शन वैल्यू बराबर जो भी नाम देना है, जावा मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी यार। जावा
जितने भी आप आइटम जोड़ना चाहते हैं उतने आइटम यहाँ पे आप जोड़ लीजिए। एम एस ऑफिस, जावा, सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, है ना। ठीक है, इस टाइप कर लीजिए और यहाँ पर स्लेस डेटा लिस्ट से बंद कर दीजिए। ये शुरू में सॉरी डाटा लिस्ट है, ये मैंने गलती लिख दिया, डेटा लिस्ट से बंद कर दीजिए। डेटा लिस्ट बंद किया, शुरू किया, इसका आप सेव कर लीजिए और इसका जो प्रीव्यू है वो आप देखिए। देखिए मिनिमाइज़ किया, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं हमसे दोस्तों, कुछ देखते हैं गलती कहाँ हुई है। ये इनपुट टाइप लैंग्वेज सेलेक्ट लैंग्वेज लिख के आ रहा है, ठीक है, और बीआर लगा दिया मैं, सेलेक्ट कैपिटल का कैपिटल एस बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये डी ई गलत कर दिया, डाटा लिस्ट है ना यह, तो सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, जी देखिए ये आ गई आपकी लिस्ट, बन गया, बन गया दोस्त। हमने क्या किया, इनपुट लिस्ट लैंग्वेज लिखा, सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट लैंग्वेज जो यहाँ पर लिख के आ रहा है, बीआर लगाया और इसके बाद डिटेल डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट लगाया और आईडी, यहाँ से हमने लैंग्वेज का नाम दे दिया, यानी जो लैंग्वेज में लिखा जा रहा होगा वो इस डाटा लिस्ट में आएगा। और ऑप्शन वैल्यू हमने वही जो सेलेक्ट में लगाते थे उस प्रकार से ऑप्शन वैल्यू अपना आइटम जोड़ दिए, और आइटम जोड़ करके हम यहाँ जब भी आइटम जोड़ देंगे सारे और डाटा लिस्ट से बंद कर देंगे और फिर यहाँ देखेंगे आप लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि कॉम्बो बॉक्स बन गया, ये भी कह सकते हैं कॉम्बो बॉक्स बन गया, है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से ये डाटा लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप इसको समझे होंगे तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आप इस प्रकार से जैसे मैंने सब्जेक्ट बनाए हैं उस प्रकार से आप कोई हार्डवेयर की लिस्ट या कोई सॉफ्टवेयर की लिस्ट को बनाइए और बना करके उसी अप्लाई करके देखिए, रन करके देखिए, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए तो मैं आपके लिए नई वीडियोज़ में आपका सॉल्यूशन उसमें आपको बता दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।